पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का खदशा है। वज़ीर ख़ज़ाना ने IMF को पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की यकीन दहानी करा दी। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी बर्दाश्त नहीं कर सकते। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी और मुआशी असलाहत मुतनाज़ शराइत नहीं हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी ख़त्म करने पर इत्तफाक कर लिया। वज़ीर ख़ज़ाना ने पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की यकीन दहानी करा दी। कहा, IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी ख़त्म करने का कहा है। पावर सेक्टर के नुकसान 2400 अरब रुपए तक पहुँच चुके हैं। गैस सेक्टर का खसारा 1500 अरब रुपए तक है। ह्यूज लॉस इन द पावर सेक्टर। आई थिंक राइट नाउ द एक्युमुलेटेड लॉसेस आर अबाउट 2400 बिलियन रुपीज़ इन द पावर सेक्टर। Another 1500 billion rupees, I'm told, in the gas sector. That's not a good way to run a country, really. मिफ्ता इस्माइल ने मज़ीद कहा कि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी की शर्त पूरी की जाएगी। The other IMF fund things that the IMF are asking, you know, for some structural reforms, independence of the central bank. I mean, those are not things that should be controversial. Those are normal things that you know we should be doing anyway. वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि IMF कर्ज प्रोग्राम को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। फ्यूल सब्सिडी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वकास अजीम, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद।